अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको अजीबोगरीब इंजीनियर्स और कुछ फनी लोग दिखाएंगे जिनके कारनामे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों इस इंजीनियर ने घर में सीढ़ी तो बना ली, लेकिन जब छत बनाई तो छत के ऊपर जाने का रास्ता बनाना भूल गया। शायद इसने नशा कर रखा होगा। कुछ इसी तरह ये दरवाजा कमरे के लिए लगाया गया है, मगर सीढ़ियों से कूदकर इस कमरे में जाना पड़ता है क्योंकि इंजीनियर ने दरवाजा गलत लगा दिया है। और इस दरवाजे में रही सही कसर इस कारपेंटर ने पूरी कर दी, जिसने लॉक के ऊपर ये हत्थी लगा दी और अब दरवाजा लॉक नहीं होता। अब इस दरवाजे को देखें कैसे इस तक पहुंचा जाएगा। शायद इसके लिए हड्डियां तुड़वानी पड़ेंगी। और यहाँ इस इंजीनियर ने सीढ़ी तो बना डाली, मगर ऊपर जाने के लिए जरा सा रास्ता नहीं छोड़ा। इस दरवाजे से बच्चे तो आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन बड़ा आदमी नहीं गुजर सकता क्योंकि ये है ही इतना छोटा सा। इस प्लम्बर ने ये टॉयलेट सीट इस दरवाजे के कुछ ज्यादा ही करीब लगा दी और जब दरवाजा नहीं खुला तो इसने दरवाजा ही काट डाला। देखें जरा इसका जुगाड़। अब जरा इन लोगों का जुगाड़ देखें। एक एसी को दो कमरों के लिए बांट दिया, आधी हवा एक कमरे में जाती है और आधी दूसरे में। कमाल की सोच है भाई। इन लोगों की सोच को सलाम। इन्होंने इस पाइप को सीढ़ियों के साथ लगाने की बजाय दरमियान से गुजारा और अब आधी सीढ़ियां बिल्कुल बेकार पड़ी हैं। अब यहाँ देखें, ये पोल लगाने वाले की गलती है या दरवाजा लगाने वाले की, क्योंकि इस पोल की वजह से दरवाजा बंद नहीं होता बल्कि हर वक्त खुला ही रहता है। इस आदमी ने ये पंखा दीवार के ज्यादा ही करीब लगा दिया और फिर क्या था, दीवार की हालत देखें, कैसे इसे काटना पड़ा। इस टॉयलेट सीट पर बैठने वाला उठकर चलकर जाएगा और टॉयलेट पेपर लेकर आएगा क्योंकि पेपर इतनी दूर लगा रखा है। इन लोगों ने यहाँ अप और डाउन लिखा है, लेकिन जब इनके निशान लगाए तो दोनों नीचे की तरफ लगा दिए। अब यहाँ सीढ़ियाँ गलत हैं या फिर ये दरवाजे, लेकिन जो भी है बनाने वाला नहायत ही बेवकूफ था। यहाँ सीढ़ियाँ बनाई गई लेकिन ये दरवाजे के दूसरी तरफ बना दी और अब इन पर चढ़ने के लिए कूद कर आना पड़ता है। यहाँ क्या आइडिया है, एक तरफ सीढ़ी है तो दूसरी तरफ व्हीलचेयर की जगह, लेकिन इस व्हीलचेयर को चढ़ाने वाला कैसे इसको लेकर जाएगा, जरूर चोटें लगवाएगा। इसने घर में एयर कूलर लगवाया तो लगाने वाले ने इसके पाइप को ठीक बालकनी के सामने से गुजारा और बालकनी को तोड़ भी डाला। अब क्या ये खंबा गलत है या फिर रोड गलत जगह बना है, जो भी है एक्सीडेंट जरूर होगा। इस इंजीनियर को देखें, जब इसने मकान बनाया तो बाहर लाइट वाला खंबा लगा था जिसको तोड़ने की इजाजत नहीं थी, तो इस आदमी ने मकान को कुछ ऐसे डिजाइन किया कि सब कुछ ठीक ठाक बन गया। तो दोस्तों आप इन माहिर इंजीनियर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।